विराट कोहली चेज मास्टर। एक बार फिर कोहली ने 95 रन की पारी खेल ना सिर्फ इंडियन टीम को मुश्किल से निकाला बल्कि वर्ल्ड कप 2023 में टीम को लगातार 5वीं जीत दिला दी। इतना ही नहीं, एक समय तो कोहली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा वनडे शतक के एकदम करीब पहुंच गए थे, हालांकि वो 5 रन से इससे दूर रह गए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और पहली गेंद से ही सेट होकर खेलते हुए 104 गेंद पर 95 रन की पारी खेली। कोहली की इस शानदार पारी की हर किसी ने तारीफ की है। इस शानदार पारी को लेकर देश दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटर्स का रिएक्शन सामने आया। इंडियन टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने कोहली की पारी की तारीफ करते हुए लिखा, हम आज विराट कोहली को इनिंग खत्म करते नहीं देख पाए, लेकिन उनके बैट से हमें क्या कमाल की पारी देखने मिली। आज के मैच में उन्होंने शानदार भूमिका अदा की। किंग कोहली, आप एक लेजेंड हो। वह इंडियन टीम के विस्फोटक ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग ने कोहली की तारीफ में लिखा, शानदार जीत किंग कोहली ने शानदार अंदाज में खत्म किया, लेकिन वो शमी का शानदार स्पेल था जिसने न्यूजीलैंड को 273 रन पर रोक दिया। यह हमारे लिए सबसे करीबी मैच रहा जिसमें हमने एक बेहतरीन जीत हासिल की। वह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने विराट को ग्रेटेस्ट चेजर कहते हुए लिखा, महान खिलाड़ी हमेशा विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यह उनके परिभाषित करता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्रेटेस्ट चेजर ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली ने वही काम किया जो वो हमेशा से करते आए हैं। युवराज सिंह ने विराट कोहली को कोट बताते हुए लिखा, विराट कोहली का एक और मास्टर क्लास, दबाव को झेलते हुए गोट। विराट कोहली ने मैच में इतनी शानदार पारी खेली और मैच को आखिर तक लेकर गए। जडेजा ने उनका अच्छा साथ निभाया जबकि मोहम्मद शमी ने शानदार स्पेल डाला। टीम इंडिया आगे बढ़ती रहेगी। मैच की बात करें तो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीता, फील्डिंग चुनी। सिराज बुमराह ने नई गेंद से बेहतरीन शुरुआत की और किवी टीम को शुरुआत में ही यानी 19 रन पर 2 छटके दे दिए। इसके बाद सचिन रविंद्र ने डैरल मिचेल के साथ एक बेहतरीन साझेदारी निभाई और 178 तक टीम को ले गए। सचिन रविंद्र इसके बाद मोहम्मद शमी का शिकार बने, 75 रन बनाए, जबकि कप्तान लैथम कुछ खास नहीं कर पाए, वो 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद क्रीज पर गेन फिलिप्स ने मिचेल के साथ मिलकर 38 रन की पार्टनरशिप बनाई। मिचेल ने इस दौरान अपने करियर का 5वां वनडे शतक पूरा किया। 243 के स्कोर पर फिलिप्स के तौर पर न्यूजीलैंड को 5वां झटका लगा। वो 23 रन बनाकर कुलदीप की गेंद पर आउट हुए। यहां से किवी टीम लड़खड़ा गई और फिर कोई भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो सकी। न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 273 रन ही बना सकी। शमी ने 5 विकेट लिए, कुलदीप के खाते में 2 गए, जबकि सिराज और बुमराह को भी 1-1 विकेट मिला। इस स्कोर के जवाब में भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़ दिए, लेकिन इसके बाद रोहित अर्धशतक बनाने से चूक कर 46 रन पर आउट हो गए। गिल ने 26 रन की पारी खेली और वो फर्ग्यूसन का शिकार बने, जबकि श्रेयस अय्यर ने 52 रन की पार्टनरशिप निभाई विराट कोहली के साथ। हालांकि वो भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 33 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल भी 27 रन बनाकर गए, जबकि सूर्य कुमार बेहद बदकिस्मत रहे और 2 रन पर रन आउट हो गए। आखिर में विराट और जड्डू ने मिलकर टीम को टारगेट के बेहद करीब पहुंचा दिया। हालांकि विराट शतक से चूक गए और आउट हो गए, लेकिन जड्डू 39 रन बनाकर नाबाद रहे और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। टीम इंडिया विश्व कप में अब 5 के 5 मुकाबले जीत कर विजय रथ पर सवार है और अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। देखते हैं आगे भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है। इससे जुड़ा हर अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ ललन टॉप स्पोर्ट्स पर। शुक्रिया।